नमस्कार। मेष राशि पर सबसे अधिक गंभीर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मेष राशि के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां कुछ ज्योतिषियों ने टीवी पर आकर के पैदा की है, मेष राशि वालों को डराया है। उन सब भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए तर्क के साथ, आर्गुमेंट के साथ, शास्त्रों के प्रमाणिक रहस्यों के साथ जो तर्क मैं दे रहा हूँ उसकी अगर कोई काट जानता है तो मुझे बताएं, तो मैं शुरू करता हूँ। मेष राशि जनवरी से लेकर के और 2025 तक जब तक शनि कुंभ राशि में रहेगा मेष राशि के लिए लगातार शुभ रहेगा। देखिए कैसे, मेष राशि पर इस समय तो राहु चल रहा है, ये इनके व्यक्तित्व को और प्रभुत्व को बढ़ा रहा है। राहु मजबूत पुष्ट करता है मनुष्य को, और इसके अलावा सप्तम भाव में केतु है तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, ये मैं मानता हूँ। आपकी वाणी में कठोरता रहेगी, धन मान प्रतिष्ठा सब कुछ रहेगा, और अभी धर्म कर्म में खर्च हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहे हैं, और अप्रैल में बृहस्पति आ जाएगा। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, बृहस्पति बहुत मजबूत और पुष्ट कर देता है, उसके ऊपर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं रहता। एक नई चीज बताऊंगा, ज्योतिष के जो भी जानकार होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे, मंगल ग्रह उच्च राशि में होता है, कहां, शनि की राशि में, मकर राशि में उच्च कहलाता है, परम उच्च। और जब मंगल शनि के घर में बैठ करके सम्मान पाता है, उच्च दृष्टि से देखा जाता है, तो शनि मेष राशि को कष्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसका जो मूल त्रिकोण स्थान है वहां से वो तीसरे भाव में कारक बन जाता है, कारक ग्रह कहा गया है इसको। अब कारक के साथ साथ एक और सिद्धांत है, उसको सृष्टि का, ज्योतिष शास्त्र का कोई भी सिद्धांत झूठला नहीं सकता। मेघनाद जब पैदा हुआ तो उस समय मेघनाद के एकादश भाव में सभी ग्रहों को स्थापित कर दिया रावण ने, महाबली रावण महाविद्वान, और ग्रह उसके इशारों पर चलते थे। शनि को भी द्वादश भाव में आज्ञा दी, यहां बैठ हो गया। खैर, जब लाभ स्थान में, जिसका नाम ही लाभ है, मेष राशि के लाभ स्थान में शनि होगा तो वो हानि देगा क्या, कोई दुनिया का कोई ज्योतिषी मुझे बताए। तो इसीलिए मेष राशि के जातकों को डरने की आवश्यकता नहीं है, और उनके लिए अच्छे अच्छे अवसर, मान सम्मान प्रतिष्ठा नौकरी और साथ में प्रमोशन भी होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल 17 तारीख तक तो मकर राशि में शनि है ही, स्वराशि में है, स्वग्रही है, तो मान सम्मान नौकरी प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। और इसके अलावा बृहस्पति ज्ञान बुद्धि विवेक धर्म कर्म पूजा पाठ तथा पता नहीं कितने पुण्यों का फल आपको प्रदान कर रहा है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण मैंने आपके लिए बताया। और नई बात यह है कि देखिए, दशम भाव में सूर्य पराक्रम यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अभी दसवें भाव में सूर्य आ रहे हैं, अभी भाग्य स्थान में थे, सूर्य भाग्य स्थान में वृद्धि करता है भाग्य की। सूर्य ज्ञान बुद्धि विवेक का स्वामी है, मेष राशि के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो उसके बाद ये जो टीवी पर बैठ करके अपनी दुकान चला रहे हैं, गलत ढंग से लोगों को भ्रांति में डाल रहे हैं, उनके संदेह को, मेष राशि वालों के संदेह को
मैं दूर करना चाहता हूं कि उन्हें इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए आप एक वीडियो बनाइए, और ताकि पूरे समस्त भूमंडल पर जो हमारे लोग मेष राशि के भारतीय लोग खास तौर से बाहर रह रहे हैं, जिनको ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से अवगत कराना है, उनके लिए मैं एक छोटी सी प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात राहत देगी, आपका पराक्रम बढ़ाएगी। और पराक्रम क्यों बढ़ाएगी, 12 मार्च को आपका मंगल पराक्रम स्थान में खुद ही आने वाला है, आएगा पराक्रम। मंगल तीसरे भाव का कारक होता है, मेष राशि मूल त्रिकोण से जब तीसरे भाव में होगा तो उसका पराक्रम स्वयं ही बढ़ेगा, और नौकरी मान सम्मान प्रतिष्ठा तथा आपके इष्ट मित्र सब आपको सम्मान देंगे, और जो शत्रु थे वो सलूट करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, खुशामन करेंगे आपकी। तो मेष राशि का इतना सुंदर प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। शनि लाभकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।